फ्रेंड्स, आज का वीडियो हाउ टू राइट स्क्रीन प्ले सीरीज का पार्ट 12 है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्क्रीन प्ले फॉर्मेट्स के बारे में। अगर आप एक नए फिल्म स्क्रिप्ट राइटर हैं तो आपने अलग अलग तरह के स्क्रीन प्ले फॉर्मेट्स को देखा होगा, पढ़ा होगा। तो आखिर इन सभी में से कौन सा स्क्रीन प्ले फॉर्मेट सही है, कौन सा फॉर्मेट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, तो इन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अगर आप एक नए फिल्म स्क्रिप्ट राइटर हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, इसे लास्ट तक पूरा देखिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये जानना कि कौन से फॉर्मेट में आपको स्क्रीन प्ले लिखना चाहिए, ताकि आपको कोई नया स्क्रिप्ट राइटर नहीं समझे जब वो आपके स्क्रीन प्ले को पढ़े तो वो उन्हें ऐसा लगे कि कोई प्रोफेशनल राइटर ने लिखा है उसे। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आने वाली वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि जो स्क्रीन प्ले राइटिंग फॉर्मेट्स होते हैं उनमें से कौन सा फॉर्मेट सही है। तो ज्यादातर आप देखेंगे कि दो तरह के फॉर्मेट्स हमें देखने को मिलते हैं। एक कुछ इस तरह का रहता है, और दूसरा फॉर्मेट इस तरह का रहता है। तो अलग अलग फॉर्मेट्स में से ये दोनों बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो अब ये दोनों में सही कौन सा फॉर्मेट है? तो अगर देखा जाए तो ये दोनों फॉर्मेट ही सही है और मान्य है। मेनली जब आप स्क्रीन पे लिखते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी रहती है? आपको मेंशन करना रहता है सीन नंबर, लोकेशन, टाइम, स्क्रीन प्ले का डिस्क्रिप्शन, कैरेक्टर का नाम मेंशन करना रहता है, कैरेक्टर ने जो डायलॉग बोला है वो डायलॉग आपको मेंशन करना रहता है और किस अंदाज में वो डायलॉग बोला है उसे मेंशन करना रहता है। फिर आपको स्क्रीन प्ले ट्रांजिशंस मेंशन करना रहता है और फिर शॉर्ट्स को भी मेंशन करना रहता है। लेकिन ये जो शॉर्ट वाला है ये ऑप्शनल है, आप शॉर्ट्स को लिख भी सकते हैं या फिर नहीं भी लिख सकते हैं, वो मेनली डायरेक्टर के हाथ में रहता है। पर अगर एक राइटर शॉर्ट्स को स्क्रीन प्ले में लिख देता है तो डायरेक्टर का काम थोड़ा आसान हो जाता है। तो ये सभी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ये सभी चीज़ों को आपको स्क्रीन प्ले में मेंशन करना रहता है। अब आपने बहुत सारा स्क्रीन प्ले फॉर्मेट देखा होगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये स्क्रीन प्ले फॉर्मेट सही है कि नहीं? तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो सारी चीज़ें अगर उस स्क्रीन प्ले में लिखा हुआ है तो आप समझ लीजिए कि वो स्क्रीन प्ले फॉर्मेट सही है। किसी ने भी कोई ऐसा रूल नहीं बनाया है कि इसी तरह का फॉर्मेट को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, इसी तरह का फॉर्मेट मान्य होगा। बस ये चीज़ आपको देखना रहता है कि ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई, अगर ये चीज़ें स्क्रीन प्ले में लिखी हुई है तो ये फॉर्मेट जो है स्क्रीन प्ले राइटिंग का मान्य फॉर्मेट है। तो ये फॉर्मेट्स को चेक करने का तरीका बहुत ही आसान है और इन दोनों में भी आप आसानी से चेक करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम लोग इस फॉर्मेट की बात करें तो इस फॉर्मेट में भी सीन नंबर लिखा हुआ है, लोकेशन लिखा हुआ है, टाइम लिखा हुआ है, उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन होता है स्क्रीन प्ले का वो लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डायलॉग्स लिखे हुए हैं, डायलॉग्स में जो कैरेक्टर है जो डायलॉग को बोल रहा है उसका नाम लिखा हुआ है, फिर वो डायलॉग को किस अंदाज में बोल रहा है ये भी लिखा हुआ है, और किससे वो डायलॉग को बोल रहा है वो भी लिखा हुआ है। कट टू ट्रांजिशन भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। इस फॉर्मेट में जो कैरेक्टर का नाम है वो सेंटर में नहीं रहता है, वो साइड में लिखा हुआ रहता है, और वो किस अंदाज में डायलॉग को बोल रहा है वो उसी के नेम के आगे ब्रैकेट लगाकर लिखा हुआ रहता है। ये है स्क्रीन प्ले राइटिंग का दूसरा फॉर्मेट। इस फॉर्मेट में भी सीन नंबर, लोकेशन, टाइम, ये सभी चीज़ें लिखी हुई है, फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन लिखा गया है, डिस्क्रिप्शन के बाद जो कैरेक्टर का नेम है वो सेंटर में लिखा गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये सभी चीज़ें दोनों फॉर्मेट में मैंशनड है, तो इसलिए ये दोनों फॉर्मेट सही है। फ्रेंड्स, ये जो फॉर्मेट आप अभी देख रहे हैं, अगर आप इस फॉर्मेट को लिखना सीखना चाहते हैं तो इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, और उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में दे दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा। और ये जो फॉर्मेट है इस पर मैं बहुत जल्द वीडियो बनाने वाला हूँ। ये फॉर्मेट जो है ये स्क्रीन प्ले राइटिंग सॉफ्टवेयर्स में होता है, जैसे सेलटेक्स सॉफ्टवेयर एक आता है उसमें होता है। तो अगर आप सेलटेक्स सॉफ्टवेयर के जरिए लिखना सीखना चाहते हैं स्क्रीन प्ले राइटिंग, तो इस पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेनली ये दोनों फॉर्मेट्स ही ज़्यादातर स्क्रीन प्ले राइटिंग में यूज़ होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों फॉर्मेट्स में सभी चीज़ें अच्छे से मेंशन की हुई है। तो आगे से अगर आपको कभी भी स्क्रीन प्ले राइटिंग फॉर्मेट में कन्फ्यूज़न हो तो आप इन चीज़ों को चेक कर लीजिएगा जो मैंने आपको बताया। अगर वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन रहेंगी तो वो फॉर्मेट सही रहेगा और वो मान्य फॉर्मेट रहेगा।
फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर फिल्म मेकिंग से रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है। आप उन वीडियोस को भी देख करके अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। और हमारे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर से जो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर ले, ताकि हमारी वीडियोस के सभी अपडेट्स आपको रेगुलर मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ जो फिल्म मेकिंग से रिलेटेड होगी। तब तक के लिए बाय बाय।